तो रिसेंटली मैं एक गेम खेल रहा था जिसका नाम है गेंशिन इम्पैक्ट, और मेरी माने तो ये बहुत ही कमाल का गेम है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपोजर और एडवेंचर्स है और इसमें बहुत सारी सेक्सी लड़कियाँ, मेरा मतलब कैरेक्टर्स है। तो मैंने सोचा मैं भी अपने एक फेवरेट कैरेक्टर को ड्रॉ करता हूँ जिसका नाम है लीसा। अब लीसा एक विच है और उसके पास इलेक्ट्रिकल पावर्स है। शुरू करने से पहले यार लाइक बटन को नीला कर दो क्योंकि ये आर्टवर्क बहुत ही सॉलिड होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्केच हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये स्केच पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब मैं इस आर्टवर्क की एक फ़ोटो ले लेता हूँ क्योंकि मैं इसे डिजिटली बनाने वाला हूँ, तो मुझे इसे अपने टैब में सेंड करना होगा, जिसके लिए सबसे बेस्ट है जीमेल। टैब में ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ क्लिप स्टूडियो पेंट। ये एंड्रॉयड में बिल्कुल ही फ्री है और इसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले न्यू फाइल सेलेक्ट करो, कैनवास का रेजोल्यूशन सेट करो, उस फाइल को इंपोर्ट करो जिसको आपने क्लिक किया था और इसमें सेंड किया था, उसका साइज अरेंज करो और शुरू हो जाओ। लाइन आर्ट कंप्लीट होने के बाद एक न्यू लेयर सेलेक्ट करो जिसकी प्रॉपर्टीज़ को आप ओवरले में रखो। एक वाइब्रेंट कलर यूज़ करो, फिर एयर ब्रश से उसके ऊपर हल्का हल्का टचअप देना जिससे कि आपका लाइन आर्ट एक वाइब्रेंट और बहुत ही क्रेजी सा दिखने लगेगा। अब न्यू लेयर लेकर उस पर बेस कलर और थोड़े बहुत डिटेलिंग देना चालू कर दो। याद रखना बेस कलर हमेशा जिस कलर को आप करना चाहते हो उसका बहुत ही लाइट वर्जन होना चाहिए। बेस कलर डन, और सीरियसली स्पीकिंग ये अभी से ही बहुत अच्छा दिखना चालू हो गया है। अब करते हैं मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, डिटेलिंग। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन मेरे टैब की बैटरी खत्म हो गई है तो मुझे इसे चार्ज में लगा देना चाहिए। मैं किसी भी रैंडम ब्रश से इसे कलर कर रहा हूँ और ब्लेंडर टूल से इन सबको ब्लेंड कर रहा हूँ, इससे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। ये आर्टवर्क पूरा कंप्लीट हो गया है और अब इसके बैकग्राउंड पे काम कर लेते हैं, और आखिर में अपने सेक्सी सिग्नेचर को डालना मत भूलना। एंड माय फ्रेंड्स, एंजॉय द रिजल्ट। Please subscribe.